जय हिंद मित्रों। हत्या के दोषी पिता पुत्रों को 10-10 वर्ष की कैद। सोनभद्र से वीर संवाददाता राजेश पाठक की रिपोर्ट। 9.5 वर्ष पूर्व हुए तहरुन निशा हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषित पाकर दोषी पिता पुत्रों को 10-10 वर्ष की कैद और 33,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में 21 जुलाई 2012 को दी तहरीर में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के देवरी गांव निवासी मुमताज पुत्र स्वर्गीय रफीक ने आरोप लगाया था कि 19 जुलाई 2012 को 3 बजे दिन में गांव के बबलू दिलीप पुत्र गण शिवनाथ और शिवनाथ पुत्र सीताराम एक राय होकर उसकी जमीन पर चढ़ाए, बांस बल्ली गाड़कर कब्जा करने लगे। जब इसका विरोध जताया गया तो पिता पुत्रों ने भत्ती भत्ती गाली देना शुरू कर दिया। यह धमकी दिया कि आज जो भी हम लोगों के बीच में आएगा उसको जान से मार दिया जाएगा। इसी बीच बबलू ने उसकी पत्नी के सिर पर लोहे की राड से प्रहार करके गंभीर चोट पहुंचा दिया। उसे भी दिलीप ने लाठी से मारा तो बायां हाथ टूट गया। उधर गंभीर चोट लगने की वजह से पत्नी बेहोश हो गई। शोरगुल की आवाज़ सुनकर कई लोग आ गए और बीच बचाव किया। पत्नी को दवा इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए BHU वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने बबलू दिलीप और शिवनाथ के विरुद्ध FIR दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषियों बबलू दिलीप और शिवनाथ को 10-10 वर्ष की कैद और 33,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1-1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।